फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन में, और ये इंडियन सिंगापुरियंस जो हैं उन लोगों का जो है सेलिब्रेशन है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। All about you, everything has to be. I love the way you are. यहाँ पे भी बहुत सारी पार्टी हैं, तो देखते हैं हमारा कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस, और अंदर से बहुत ही धमाकेदार आवाज आ रही है, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम लग रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। थोड़ा लेट हो गए हैं, तो हाँ ये बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है और जिसमें वो रामायण का चित्रण कर रहे हैं, तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। विवाह उपरांत राम जी की राजतिलक करने की तैयारियां चल रही थी। सभी उनकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। ये षड्यंत्र बुरी मंत्रा के द्वारा किया गया था। इसके बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पुत्र, तुम्हें वनवास जाना होगा। श्री राम ने अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हुए वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई दुष्टों का उद्धार किया, और आम वन में उन्हें मिले उनके परम भक्त हनुमान जी। टीचर जी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वो तो वानर राज, बजरंग बली, पवन पुत्र और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। वे महाज्ञानी और महापराक्रमी है। चलो उनसे मिलते हैं। वन में प्रभु राम जी का जीवन सुंदर और सुमिष्ट चल रहा था, पर एक दिन अनजाने में लक्ष्मण से लंका नरेश रावण की बहन शुभ्रा का अपमान हुआ। लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शुभ्रा के अपमान का बदले माता सीता का हरण कर लिया और बंदी बनाकर लंका में कैद कर लिया। सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। श्री राम और रावण जी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। Come on.
और उसका अंत हुआ। इसके साथ ही असत्य के सत्य एवं लड़ाई में अच्छाई कीजिए। इसके बाद श्री राम जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपनी नगरी अयोध्या लौटे। उनकी आने की खुशी में नगरवासियों ने खुशियां मनाई, घर सजाए, दिए जलाए और पूरे नगर को रोशनी से भर दिया। उस दिन से भारतवासी इस शुभ दिन को दीपावली के रूप में मनाने लगे। उनके स्वागत में ढोल नगाड़े गाजे बाजे गूंजे। अब आई बात समझ में कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? हाँ टीचर जी। ओके, तो चलो फिर अब हम सभी को यहाँ पर हैप्पी दिवाली कह दें अपनी स्टाइल में। बच्चों के बाद ये धमाकेदार गाने के साथ आ गए हैं हमारे भारतीय बिल्कुल पूरे जोश में। Yeah.
Yeah.
नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ बड़ा खटोला तीन बजाती हुई बस। अभी यहाँ पर हम लोग पेट पूजा कर रहे हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा ही, तो अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। Thank you.
हमारा ग्रुप और ये बच्चे, और अब हम जा रहे हैं वापस। और आपको ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहना है, क्योंकि अगर आपको सिंगापुर के बारे में जानना है कि वहाँ पे भारतीय क्या करते हैं, तो इस चैनल में आपको ज़रूर मिलेगी जानकारी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।